हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ पाठक। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सेल मेम्ब्रेन की फिजियोलॉजी के बारे में। दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन के लिए जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है उसका नाम है फ्लूइड मोजैक मॉडल। फ्लूइड मोजैक मॉडल के अनुसार सेल मेम्ब्रेन 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स। दोस्तों, इस मॉडल के अनुसार लिपिड्स फ्लूइड का काम करते हैं और प्रोटीन्स मोजैक का काम करते हैं, इसीलिए इस मॉडल का नाम फ्लूइड मोजैक मॉडल रखा गया। दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में से सबसे ज्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, लगभग 55%। सेकेंड मेजर कंपोनेंट होता है लिपिड्स 40%, और माइनर कंपोनेंट होता है कार्बोहाइड्रेट 5%। लेकिन दोस्तों, एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा कि नर्व सेल मेम्ब्रेन, माइलिनेटेड नर्व सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स प्रोटीन से ज्यादा पाया जाता है। लिपिड्स 80% होता है, प्रोटीन 20% होता है। यह एक्सेप्शन है, राइट दोस्तों? दोस्तों, अब मैं बात करने जा रहा हूं लिपिड कंपोनेंट के बारे में। लिपिड कंपोनेंट 3 प्रकार का होता है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड तब कहेंगे जब लिपिड में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो फॉस्फोलिपिड हो गया। ग्लाइकोलिपिड में कार्बोहाइड्रेट साइड चेन जुड़ता है, उसे ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। तीसरा होता है कोलेस्ट्रॉल। अब दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं फॉस्फोलिपिड के बारे में। फॉस्फोलिपिड जो है वो मेजर कंपोनेंट होता है, राइट दोस्तों? मेजर कंपोनेंट होता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड 5 प्रकार का होता है, फॉस्फाटिडाइल सेरीन, फॉस्फाटिडाइल कोलीन, स्फिंजोमाइलिन, IP3, कार्डियोलिपिन, राइट दोस्तों? सबसे पहले मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं फॉस्फाटिडाइल कोलीन के बारे में। फॉस्फाटिडाइल कोलीन का दूसरा नाम है लेसिथिन। यह लंग में पाया जाता है और मेजर सरफेक्टेंट लिपिड भी लेसिथिन होता है। दूसरा है दोस्तों स्फिंजोमाइलिन। स्फिंजोमाइलिन लंग और नर्व सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, यह माइनर सरफेक्टेंट लिपिड है। दोस्तों, लेसिथिन और स्फिंजोमाइलिन का एक सिग्निफिकेंस होता है। लेसिथिन और स्फिंजोमाइलिन का जो रेशियो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, और इसका यूज जो किया जाता है वो फीटल लंग मैच्योरिटी को असेस करने में किया जाता है। यदि लेसिथिन और स्फिंजोमाइलिन का रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आता है तो हम कह सकते हैं कि फीटल लंग मैच्योरिटी है, राइट दोस्तों? तीसरा होता है दोस्तों फॉस्फाटिडाइल सेरीन। दोस्तों, नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ लेसिथिन होता है, या जिसे फॉस्फाटिडाइल कोलीन बोलते हैं, अंदर की तरफ फॉस्फाटिडाइल सेरीन होता है, राइट दोस्तों? यह नॉर्मल कंपोजिशन होता है और मेम्ब्रेन की असिमिट्री को बनाए रखता है, राइट? लेकिन दोस्तों, किसी कारणवश अगर बाहर की तरफ फॉस्फाटिडाइल सेरीन हो जाए और अंदर की तरफ फॉस्फाटिडाइल कोलीन यानी लेसिथिन हो जाए तो दोस्तों यह एक एबनॉर्मल कंडीशन होगी और ऐसी सेल में अपोप्टोसिस हो सकता है, यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ हो सकता है, राइट? जब फॉस्फाटिडाइल सेरीन बाहर की तरफ होगा तो एनेक्जीन 5 आकर के उससे जुड़ेगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एनेक्जीन 5 पीएस कॉम्प्लेक्स। इसका इंपॉर्टेंस यह है कि माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम देखेंगे तो हम अगर ये पाते हैं कि किसी सेल में एनेक्जीन 5 पीएस पॉजिटिव आ रहा है, एनेक्जीन 5 पीएस कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो सेल अंडरगो जाएगी अपोप्टोसिस, यानी उस सेल में अपोप्टोसिस हो सकता है, राइट दोस्तों? चौथा होता है दोस्तों IP3। IP3 का फुल फॉर्म है फॉस्फाटिडिल इनोसिटॉल, राइट? इसका फुल नेम होता है IP3DAG कैल्शियम। ये सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करता है। पांचवा है दोस्तों कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन को सबसे पहले ह्यूमन हार्ट से आइसोलेट किया गया था और यह ह्यूमन हार्ट के माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। दोस्तों, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि वो पर्सन जो ट्रिपोनीमा पैलिडम नाम के स्पायरोकिट से इन्फेक्टेड होते हैं उनमें यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्डियोलिपिन से रिएक्ट करके एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी बनाता है। तो जिन लोगों में ट्रिपोनीमा पैलिडम का इन्फेक्शन होता है उनके लिए टेस्ट होता है VDRL, वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। VDRL में क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी पाया जा रहा है कि नहीं। यदि एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी पाया जा रहा है तो इसका मतलब कि वो रिएक्टिव होगा, क्योंकि जिस भी व्यक्ति में अगर ट्रिपोनीमा पैलिडम का इन्फेक्शन हुआ है और उसे सिफिलिस हो गया है तो एंटी कार्डियोलिपिन हमेशा ही पाया जाएगा। तो VDRL टेस्ट में एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी को ही मेजर किया जाता है, राइट दोस्तों? अब दोस्तों आते हैं ग्लाइकोलिपिड्स में। ग्लाइकोलिपिड 2 जगह पाए जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और GIT में। ग्लाइकोलिपिड्स एक्सक्लूसिवली GIT में पाए जाते हैं, राइट?